गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी सैलड की रेसिपी जो बहुत टेस्टी, यमी और क्विक रेसिपी है। कभी आपका कुछ खाने का मन ना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन को बहुत ग्लोइंग रखेगी, वाइटमिन एंड मिनरल्स रिच है क्योंकि मैंने इसमें खूब सारे कलर्स की वेजिटेबल्स इंक्लूड की हैं। सबसे पहले इंक्लूड किया है मैंने टर्निप, जिसको हम शलगम बोलते हैं, उसको ग्रेट करके इंक्लूड किया है। लेट्यूस के लीव डाले हैं, कैरेट लिया है, इसके अलावा मैंने उसमें जो काकड़ी आती है वो इंक्लूड की है, कुकुम्बर लिया है, अनियन लिया है, टमाटो लिया है, पनीर लिया है, कॉर्न्स लिए हैं, गाजर ली है और भी मैंने उसमें खूब सारी सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च को भी इंक्लूड किया है। तो आप अपने सीजन के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल्स डाल के और खूब सारे सब्जियों को डाल के इसका एक अच्छा सा सैलड बना सकते हो जो बहुत टेस्टी, यम्मी और हेल्दी है। और इस सैलड को आप मील के साथ मत लें, मील से पहले ले सकते हैं या फिर एज अ मील जैसे मैंने लिया है, क्योंकि आज मेरा कुछ अच्छा सा खाने का मन था तो मैंने इस सैलड को एज अ मील इंक्लूड किया है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पनीर भी इंक्लूड कर सकते हो, बट मुझे ज़्यादा वेजिटेबल्स लेने थे तो मैंने ज़्यादा वेजिटेबल्स को इंक्लूड किया है, वो थोड़ा सा पनीर मैंने डाला। आप इसमें स्प्राउट्स भी इंक्लूड कर सकते हो, ये बहुत हेल्दी है। मैंने कॉर्न्स भी लिए हैं, उसको अच्छे से मैंने ग्रिल करके उसके बाद मैंने डाला है, थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, ब्लैक पेपर, नमक डाला है। फ्लेवर के लिए मैंने ऑरिगेनो यूज़ किया है, विटामिंस मिनरल रिच है, बहुत अच्छा ही लेना क्योंकि अभी सीजन में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। तो आप लोग अपने मील में उसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए, जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। हेल्दीस्ट सैलड है, यम्मीस्ट है, बहुत इजी बन जाएगा। ये सैलड आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो, इसमें और बहुत सारी वेजिटेबल्स को हल्का सा कुक करके भी इंक्लूड कर सकते हो। तो जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं ज़रूर इंक्लूड कीजिए।